गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर कोरोना महामारी में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु श्री गंगा भागवत कथा यज्ञ का आयोजन कथा व्यास पर विराजमान ब्रह्मऋषि राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, जहां पर कई देव डोलियां पहुंची हुई हैं और उनके तमाम भक्तगणों के साथ। शायद ये इस तरीके से गुरु जी के द्वारा जो परोपकार किया जा रहा है, निस्वार्थ भाव में देवभूमि उत्तराखंड के माँ गंगा यमुना उद्गम जिला उत्तरकाशी के मुख्यालय में चल रही कथा पर, और गुरु जी की यदि मैं बात करूँ पूरे देश में गुरु जी माँ गंगा और गौ को लेकर के चलते, खासतौर गंगा पर गुरु जी का अभियान चलता है। और पूछ के देखता हूँ क्या गुरु जी, यदि मैं वर्तमान हालत की बात करूँ गंगा की और पूर्व की बात करो, तमाम पूछता हूँ क्या कह रहे हैं गुरु जी इसको लेकर के। खासी गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पर्व पर जो आपके द्वारा कथा की जा रही है, क्या बोलेंगे आप इस कथा को लेकर के, किसको समर्पित की जा रही है कथा? ये गंगा भागवत अष्टादश महापुराण कथा जो कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 में जो लोग अकस्मात हमारी बीच से चले गए, जिनके कोई संस्कार नहीं हो पाए, और कुछ लोगों को जलाया गया, कुछ लोग पूर्ण रूप से जल भी नहीं पाए, पर्यावरण भी जिससे प्रदूषित हुआ, प्रकृति भी प्रदूषित हो गई थी, और ऐसे लोगों की जो आत्माएं भटक रही हैं, जिनको मोक्ष कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, उन दिवंगत आत्माओं के लिए ये गंगा भागवत अष्टादश महापुराण यहाँ पूरे जनपद उत्तरकाशी के जितने हमारे प्रबुद्ध समाजसेवी हैं, गणमान्य नागरिकगण हैं, जनता जनार्दन हैं, संपूर्ण जनता के सहयोग से ये समायोजित किया गया। 8 जुलाई से और 14 जुलाई कल इसका समापन होगा, और गंगा जो विश्वात्मा है और पूरी विश्व के वैज्ञानिक आज चिंतित हैं कि गोमुख ग्लेशियर खत्म होने वाला है, गंगा गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक वो उसमें वायरस पड़ने के खतरा पैदा हो गए हैं, तो हम सब जनपद उत्तरकाशी ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत राष्ट्र का दायित्व बनता है कि गंगा को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के प्रयास करें। पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रकृति आज प्रदूषित हो गई है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, जो ओजोन परत लेयर है वो खत्म होने के कगार पर है, तो इस कथा का यही ध्येय है, हमारा यही मिशन है कि हम गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा को स्वच्छ निर्मल पावन बनाने के लिए जन जन का ये दायित्व हो, जन जन ये संकल्प ले कि हमारी माँ गंगा संरक्षित हो, सुरक्षित हो, पावन हो, निर्मल हो, हमारी माँ यमुना, हमारी माँ नर्मदा, जितनी देश की नदियाँ हैं वो जब सुरक्षित संरक्षित रहेंगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो ये लेयर ओजोन परत बचेगी, प्रकृति बचेगी, हमारे जीव जंतु बचेंगे, तो आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, पानी को बचाना जो तीसरा थर्ड वर्ल्ड वार बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, वो पानी के लिए बताया जा रहा है, तो पानी को बचाना, पानी के स्रोतों को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, प्रकृति को बचाना। मैं यही बताऊं, गौमुख से लेकर के मैं गंगा जी की बात करूं और गंगा सागर तक, फरक्का बैराज तक, शायद गंगा कई जगह पर गौमुख में भी मैली नजर आई और कई जगह पर कूड़ा कचड़ा नजर आए, तो उन भक्तों को क्या संदेश देंगे आप कि वहां जाकर के ऐसा न करें, और सरकार के प्रयास भी पूरे सार्थक नहीं है, उसको लेकर कुछ बोलेंगे आप? हम जनता से, जितने भी यहां पर्यटक आते हैं या जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आप सब समग्र भारत राष्ट्रवासियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि गंगा को बचाने के लिए हम सबको साथ देना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, गंगा के दोनों तटों को बिल्कुल हमको स्वच्छ निर्मल, पॉलीथीन हो या कोई भी गंदगी हो या सीवर लाइन हो या जो भी हम कुछ कचरा कूड़ा करकट गंगा के किनारे डाल रहे हैं और वो गंगा में आज प्रवाहित हो रहा है और गंगा माँ हमारी प्रदूषित है, वायरस पड़ने के खतरा पैदा हो गए, तो हम सबका दायित्व बनता है, केवल जनप्रतिनिधि अगर थोड़ा सा ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे। जनता को क्या बोलेंगे, नगर पालिका के द्वारा मुख्यालय में बिल्कुल कचरा दान बनाया गया तामक खाने के, कुछ संदेश देंगे? हम नगर परिषद नगर पालिका से भी यही निवेदन करते हैं कि गंगा माँ को जो है स्वच्छ निर्मल बनाए रखने के लिए हम सब लोग संकल्प लें सच्चे मन से, क्योंकि हमारी माँ गंगा है और गंगा के पीछे हम उत्तराखंड के लोग पल रहे हैं, 2 साल यात्रा नहीं चली तो हम सब भूखे मरने के कगार पर थे, और अगर गंगा नहीं रहेगी तो ना हरिद्वार का महाकुंभ होगा, ना तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ होगा, और भगवान शिव को अभिषेक कहाँ से होगा? गंगा ऐसे बताया जा रहा कि ये जो कचरा बाजार में है
तामा खाने पिए, आपके द्वारा भी वहाँ पर भक्त गए थे, कोई खास संदेश नहीं दिया गया कि सफाई करे कोई प्रशासन के आपके द्वारा क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी के एक महान विभूति पूज्यपाल सुरसराम थत्याल जी और हम लोग आज से नहीं 50 वर्षों से गंगा को इस उत्तरकाशी तीर्थ नगरी को तीर्थ नगरी घोषित करने के लिए हमने कई बार रैलियां की, कई बार हमने अनशन किए, कई बार हमने प्रशासन नगर प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो उसके लिए हमने बहुत सारी पहल की, लेकिन ये काम तो अब जनता ही कर सकती है या जो प्रशासन है सरकार वही कर सकते हैं। हम तो केवल सुझाव दे सकते हैं कि गंगा को बचाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। गंगा बचेगी, गो माता बचेगी, प्रकृति पर्यावरण बचेगा, तब हमारा देश बच सकता है, तब हमारी संस्कृति बच सकती है। आओ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश जनता तक पहुंचेगा और मां गंगा शुद्ध होगी, ऐसा प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगणा जी धन्यवाद।